We have booked a 12-seater tempu traveler from Gwalior to Sonagiri. Nearby prefer to come from their own vehicle, or they can come from the railway station as well. As you can see, this is the railway station of Sonagiri. It's a 1.5 hour journey from Gwalior to Sonagiri, and we left around 6 a.m. in the morning and reached around 7:30. जो अभी क्लोज है ड्यू टू दिस कोविड-19। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस दिल्ली वाली धर्मशाला। सी दीज धर्मशालाज आर वेरी नाइसली मेंटेन्ड। So this is our room for the day. Very neat, very clean. So ये main gate है सोनागिरी पर्वत की यात्रा start करने का। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और अपनी यात्रा start करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला मंदिर सोनागिरी का, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और एकदम टाइडी जगह है। दिस हिल इज फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे स्पेशली आपको बहुत सारे पिकॉक्स मिलेंगे, और आप देख सकते हैं अभी अंदर बहुत सारी आवाज़ आएगी पिकॉक की। इतने सारे हैं, दे आर अनकाउंटेबल पिकॉक्स ओवर दिस प्लेस, इट इज़ ब्यूटिफुल। सिस्टर मिताली मी दादी द मोस्ट ओबीडियंट किड ऑफ अ हाउस। आजकल सेल्फी पॉइंट्स होते हैं। मेरे घर का नाम रिया और ये मेरी छोटी बहन प्रिया उर्फ वंशिका। कैलाश पर्वत पे 72 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था भरत चक्रवर्ती ने, और बाद में जब बाली मुनि उस पर तपस्या कर रहे थे तो रावण वहाँ से निकला रानियों के साथ,
और उसने बाली को देखकर उसको विरोध आया मन में और उसने पहाड़ को उठा लिया। लेकिन बाली मुनि ने सोचा कि अगर ये पहाड़ उठाया तो मंदिरों को क्षति पहुँचेगी, इसलिए उन्होंने अपने पैर का अंगूठा देखी, उनके पैर का पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, उन्होंने पैर का अंगूठा से उस पर्वत को दबाया तो रावण दब गया और रावण रोने लगा, तो उस तब से उसका नाम रावण पड़ा। वैसे उसको लंकाधीश श्यामन के नाम से जाना जाता था। सोनागिरी की स्थापना 9th सेंचुरी में हुई थी और यहाँ पर टोटल 103 मंदिर हैं, जिनमें से मेरा फेवरेट वाला है ये चक्की वाला मंदिर। अभिषेक प्रभु जी का करूं मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक की संपत्ति वरूं जय हो चंदा। तो ये हम फाइनली पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, ये सबसे ऊंचा वाला मंदिर है यहाँ पर। ये एक पानी की कुआ टाइप का बावड़ी जो बोलते हैं वो बना हुआ है, पानी सिर्फ इसी जगह पर अवेलेबल है और नीचे कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ऊपर ही पहाड़ के ऊपर आप बेसिक यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा रिलैक्स किया। यहाँ पर लेट सकते हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर पानी देख सकते हैं। ये सोनागिरी का सबसे ऊंचा वाला मंदिर है, एट द पीक ऑफ द हिल्स एंड द मोस्ट लार्जेस्ट टेंपल ऑफ हेयर। Oh,
मेरा भी बारंबार नमन। की एक बात ये है, छाए में आ जाए, एक बात दो बात डर जाता है बेचारा, छोटा है तब तो डरा रहा है, बड़ा होया फिर डर रहा है। पापा के साथ एक स्वीटी का फोटो, मेरी गुड़िया स्वीटी है, स्वीटी अब मेरी निकाल दो, मैं सही में फोन फेंक दूंगा। हट हट हट, ये चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए। फाइनली मैं अपने फेवरेट मंदिर में आ चुकी हूँ। बचपन में मैं बहुत खेली हूँ इस मंदिर में और मुझे बहुत स्कैरी लगता था इतनी हाइट पे चढ़ना भी। दिस वॉज रियली फन एंड आई रियली इंजॉयड कि इतने सालों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। इट्स लवली कमिंग हियर। ये नाजिर कुंड की जगह है जहाँ पर एक पत्थर है जिसमें से आवाज़ आती है। सो आई एम गोइंग देयर इस पहाड़ पर ही। सो देयर इज सम मैजिक इन दैट स्टोन एज आई हर्ड, सो आई एम गोइंग देयर। किसी को पता ना हो तो वो तो ये रास्ता भूल ही जाए, है ना। मिल गया फाइनली। ओ गॉड, हम यहाँ गलत रास्ते चले गए थे और फाइनली इस रास्ते पर है बजनी शिला। ये होलो अंदर से नहीं, इस पर नहीं है, ये बजनी शिला, वो कोई बोला यूज, दिस इज इनॉर्मस। फाइनली हम नीचे जा रहे हैं। छेत्रपाल जी का मंदिर है। Thank you so much for watching this full video. I hope you like it. Press the subscribe button, like this video and share with your friends. Bye bye, take care.